दिखाओ कैसे। ये मैंने लेंथ ब्रांडेड ब्रांडेड लरुगे। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आज रम्या के पापा आप सबका स्वागत कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में, और जिसका नाम है गांव की शांति। और देखिए, रम्या के पापा के चरण कदम पड़ गए हैं छत पे, और हमारे छत का काम कितना पूरा हो गया देखिए। तो ये जो बनने जा रहा है ना, ये अब फोर्थ फ्लोर हो जाएगा अगर ये बन गया तो। ये हम पहली बार रम्या गई है सेकेंड फ्लोर पे, और थर्ड फ्लोर पे ना जी, हैं थर्ड है ना, गलती नहीं की ना, कहा थर्ड फ्लोर पे, और वहाँ से पूरा गांव दिख रहा है। OMG, यकीन नहीं हो रहा। और ऊपर ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनने वाला है जो कि एक दिन प्रॉपर आप लोग को शूट करूँगी। और ये अभी रम्या के पापा गए हैं छत पे, और वहाँ जाके देखिए मिस्त्री भैया, सल्यूट है इनको। इतना ऊपर जाके इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है, इतना काम किया है, बहुत कठिन था क्योंकि सारे लोग ना बोल दे रहे थे। और ये हमारा छत है, और हमारे छत से पूरा गाँव दिख रहा है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ आंगन में, क्योंकि आज मुझे बनाना था मटर का निमोना, और सिलबट्टा बाहर रह गया था जिस पे गिर गया था गिट्टी और बालू बहुत सारा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये जो सिलबट्टा है ना, उसमें बालू और ऐसे कंकड़ आ गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा रगड़ के साफ़ करती हूँ, हो जाएगा तो दाल इसी पे पीस लूँगी। बट गलत मैं साबित हुई, क्योंकि ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ। इसमें इतना ज़्यादा बालू गिट्टी फंस चुका है कि इसकी कुटाई करनी पड़ेगी। तो वो कुटाई वाले भैया को बुला के ही मैं हार गई। फिर उसके बाद मैं यहाँ से चली गई, और यहाँ पे मैंने अचार जो है मिर्ची का वो रख दिया है धूप में, ताकि इसमें धूप लग जाए। और ऊपर छत पे भैया लोग आज काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक ड्रेस की सिलाई भी शेयर करने वाली हूँ। बहुत सुंदर सी ड्रेस मैंने बनाई हुई है, आप लोग देखिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं लेके आ गई कढ़ी पत्ता, और कढ़ी पत्ता लेके आने के बाद चली जाऊंगी मैं किचन में, और यहाँ से अपना फ़ोन भी उठा के लेके चली जाऊंगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है और साथ में गर्मी भी ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी जी। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और मेरी आँखें इन्फेक्टेड क्या बोलते हैं, तो उसको माइंड मत करिएगा। वैसे तो इसमें ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मन नहीं माना तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही कर दिया हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए, ये है मटर, इसकी बनाऊँगी मैं दाल, और बनाऊँगी चावल और सब्जी, ऐसा मैं बनाने वाली हूँ। निमोना नहीं, मटर की एकदम सिंपल सी दाल आज बनाऊँगी, क्योंकि बहुत मन कर रहा था खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये वाली बॉल्स जो पानी में डालने पे फूल जाती है, ये बहुत अच्छी लगती है देखने में, तो ऐसे किचन में रखो तो बहुत अच्छा लगता है। और आज जो है एक प्रॉब्लम हो गई, एक ऊपर सबसे टॉप फोर्थ फ्लोर पे काम चल रहा है, मतलब फोर्थ फ्लोर पे सीढ़ी का कुछ काम चल रहा है, और वहाँ पे एक भैया को चोट लग गई और फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा। पूरा काम बंद हो चुका था, और इसकी वजह से बहुत सब लोग बहुत परेशान से हो गए थे, और रम्या के पापा तो बहुत ज़्यादा परेशान, लेकिन ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, माता रानी की कृपा से। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत रिस्की काम है। मैं रम्या के पापा को बोलूँगी कि वो जाएँ, और एक वीडियो तो कम से कम, मेरे जितना घर बन रहा है ना, मैं कितना सारा वीडियो बनाती अगर मैं वहाँ पर जा पाती तो। बट मैं आज बोलूँगी कि जाइए और लेके आइए वीडियो। तो चलिए, वो तो लेके आएंगे कि क्या करेंगे उनके ऊपर है। मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं बना लेती हूँ पहले मटर की दाल। तो इस मटर को हम लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची के साथ पहले पीस लेंगे, और फिर उसको उबालेंगे। तो चलिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं ड्रेस की कटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन सबसे पहले खाना बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है मटर, और मटर का दाल मैंने इस वाले जूसर वाले में पीसा, क्योंकि वो वाला मिक्सर टूट चुका है, और मैं आज ऑनलाइन मिक्सर ऑर्डर भी करने वाली हूँ। मिक्सर नहीं तो उसके पार्ट जो है, अगर वो मिल जाएंगे तो मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मेरा मिक्सर जो है वो बहुत सालों है, वो मुझे मुँह दिखाई में मिक्सर मिला था, और बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी इतनी अच्छी, कभी उसको बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक दो बार ऐसा हुआ था, और काफ़ी पुराना भी हो गया है। और मैं आज बोल रही थी कि मम्मी आप टीचर लग रही हो, तो आप लोग बताइएगा क्या ऐसा लग रहा है क्या कि मैं टीचर जैसी लग रही हूँ, क्योंकि आज मेरे आँखों में इतना इन्फेक्शन हो गया था, तो मेरा कुछ भी मन नहीं था आज करने का। और मुझे आज बहुत ज़रूरी वीडियो शूट करनी थी, फिर भी मैंने नहीं किया, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम थे मेरे को। और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ चुकंदर और गाजर का जूस, जो कि मैं रम्या को भी पिलाने वाली हूँ, और रम्या ने एकदम गटागट करके पी लिया, तो ये बात की मुझे बहुत खुशी। ये
ये मैंने बना दिया है चुकंदर का जूस, मैं खुद भी पीऊंगी और अरम्या को भी पिलाऊंगी। अरम्या रेडी हो? गाजर और चुकंदर का मैं हर रोज ही बना लेती हूँ, लेकिन जब मैं अच्छा फील करती हूँ तब। और इधर मेरा चावल बन रहा है, इधर मेरी दाल उबल रही है और साथ में मैं अब जा रही हूँ सब्जी की तैयारी करने। और यहाँ पे इसको अरम्या जो है वो पी रही है। ऐसा कैसे ऐसा लग रहा है देखिए, पाइप में दिखाओ अरम्या, तो पाइप दिखाओ अपना। मेरा बच्चा बहुत हेल्दी हेल्दी चीज़ें अभी नहा धो के आई है, इसको मैंने जूस बना के दे दिया हुआ है। यहाँ पे वो पढ़ाई करेगी, ये अरम्या का स्टडी टेबल है। पढ़ाई और क्राफ्टिंग यहाँ अरम्या दोनों करती है, और माई का पूजा भी करती है अपनी। देखिए मेरी फोटो लगा के पी ली। हाँ चलो, तुमको टॉफी मिलेगी। दो पाइप दो, मैं भी पीऊँगी पाइप से। ये देखिए मैं दाल उबाल रही थी और ये पूरी की पूरी दाल गिर गई। एक मिनट के लिए मेरा ध्यान इधर से उधर हुआ और ये क्या हाल हो गया। और यहाँ पे बस मैंने जीरा और हींग डालने के बाद डाल दिया है कड़ी पत्ता और प्याज, और साथ में लहसुन हरी मिर्ची, साथ में मसाले डाल देना है टमाटर, और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जब अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो जो हमने मटर की दाल पीस के उबाल के रखी हुई है बस उसको यहाँ पे ऐड कर देना है और मेरी टेस्टी सी दाल बन के तैयार हो जाए। तो मेरी आँखें इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि मुझे ये वाली दवाई और ये वाली दवाई बताइए किस किस ने यूज़ की है। बचपन में हम यूज़ करते थे बट ये आज भी उतनी ही ज़्यादा कारीगर है। अब मैं इसको डालने वाली हूँ। खाना बन चुका है, कोई आया ही नहीं है, मतलब रम्या के पापा आएंगे तो उनको खाना दूंगी। तब तक मैं 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट जो भी इस दवाई को डाल के आराम करूंगी। तो बताइएगा ज़रूर किस किस ने इस दवाई को यूज़ किया है। इसमें भी डालना है? फोन बंद कर दो। तो ये इसकी मैं एक ड्रेस बनाने वाली हूँ इस फैब्रिक से, जो कि ड्रेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और मैं ट्राई करने वाली हूँ। अगर ये बन गई तो सही तो दिखाऊंगी, और ये अगर बिगड़ गई तो भी मैं दिखाऊंगी। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाओ कैसे। ये मैंने लेंथ ली है, यहाँ पे इसकी लंबाई ली है मैंने 15 इंच, और मैंने नेक के लिए लिया है 8 इंच, और यहाँ से मैंने लिया है 7 इंच। और हम इसको गोलाई में इसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। हमको लेना है 3.5 इंच, यहाँ से 3.5 इंच, 5 इंच ये। तो इस तरीके से इसकी ये नेक बनेगी, जो कि कुछ अलग बनेगी, और यहाँ से इसमें स्ट्रिप्स लगेंगे। नहीं जितना तुम झटर झटर कर रही हो, सामने से लो।
अपने कपड़े रख पा। नीचे धागा छोड़ती है, आधे घंटे से परेशान हूँ। इसके लिए बैबिन में कुछ दिक्कत आई है यहाँ, और ये वाली ना छोटी वाली मशीन की बैबिन है जो इसमें लगेगी नहीं। देखिए दोनों में ना डिफरेंस है, ये ऐसी है ये ऐसी है, तो छोटी वाली मशीन में ही जाके मुझे सिलना पड़ेगा। कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैंने निकाल ली थी हाथ वाली मशीन, क्योंकि पैर वाली मशीन ख़राब हो गई थी और मेरी ज़रूरी कॉल आ गई थी, तो मैं कॉल पे भी बात कर रही थी। और ड्रेस जो पूरी सिल के वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो 25-20 मिनट की से ज़्यादा की हो रही थी, तो फिर उतनी लंबी वीडियो आप लोग देखेंगे नहीं। तो कल के पार्ट का इंतज़ार करिए, क्योंकि ड्रेस को पूरे अच्छे से तुड़पाई वगैरह करके थोड़ा प्रेस व्रेस लगा के तब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये सिलाई कैसे। अभी हो गया है शाम का टाइम, और सिलते सिलते क्या तैयार हुआ है, बस ये पार्ट तैयार हुए हैं। फ्रंट के जो इस तरीके से पार्ट है ना, आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे, तो ये वाले पार्ट फ्रंट के तैयार हुए हैं। और अभी पूरा का पूरा ड्रेस बाकी है, क्योंकि बड़ी वाली मशीन ख़राब हो गई है, छोटी वाली मशीन पे इतना टाइम लग रहा है खुटूर 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 सिलने में, और पूरा अंधेरा हो चुका है, और यहाँ पर सामान ऐसे बिखरे पड़े हैं। और ये मशीन मैंने निकाली है, ये मशीन मैंने ना अपनी ही कमाई से लिया हुआ है, और ये मुझे इतना अच्छा फील होता है। ये छोटी मशीन मैंने पहले लिया था, ये देखिए, और वो मटर ज़मीन पे इसलिए हैं क्योंकि उसको सुखाया जा रहा है। वो हरे मटर को सुखा के रख देते हैं हम लोग अच्छे तरीके से, तो उसके दाने ना जब हम फ्रोज़न मटर की जगह पे यूज़ करती हूँ, तो ये मेरा ट्रिक है, तो इसलिए। तो ये वाली उषा की मशीन है, और वो वाली मशीन जो वहाँ पे मशीन है वो मेरी बड़ी वाली मशीन है, और दोनों मशीन मैंने लिया है, तो बहुत अच्छा फील होता है सच में। खुद की कमाई से एक सुई भी खरीदते हैं ना, तो उसकी फीलिंग अच्छी होती है। मेरे आँख में आई फ्लू हुआ है, तो उसको माइंड मत करिएगा, मुझे देखने में भी अजीब लग रहा है, बट मेरा काम था सो मैंने किया, और अब मैं जा रही हूँ दूसरे काम करने। और आज मैंने ये वाली ब्लाउज़ निकाली थी, आप सबको पता है ये वाली जो मेरी ब्लाउज़ है ना, ये मेरे में ना इतना ज़्यादा मुझे इतना लूज़ करना पड़ा, 4 इंची मेरे। और जबकि मैं YouTube पे जब आई थी ना, तब ये मैंने ब्लाउज़ पहनी हुई है, बट बहुत ज़्यादा ये टाइट हो रही थी, पूरा इसका फिटिंग ख़राब हो गया इसको लूज़ करके। और ये वाली साड़ी रम्या के पापा ने पिछले साल नवरात्रि में ली थी माता रानी को चढ़ाने के लिए, तो ये यहीं की बिल डरवे बू, तो ये 800 की साड़ी ली हुई थी और यहीं से ली हुई थी। तो इसका ब्लाउज़ मैंने स्टिच ही नहीं किया हुआ है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया, और मुझे अच्छी लगती है, कोई बहुत खास नहीं लगती है, बट 800 की बहुत ज़्यादा महंगी लगती है, 800 की अच्छी साड़ियाँ मिल जाती हैं, तो उस टाइम पे मैंने लिया हुआ था। तो ये इतनी सारी बातें कर ली मैंने, अब मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मेरा हालत हो रहा है धीरे धीरे ख़राब, और मैं जा रही हूँ बनाने चाय, तो देखते हैं आज क्या करती हूँ।